हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस लेक्चर में हम लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और ऑप्टिकल पाथ, ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्लास 10th में हो चुका है, ओके? वहां पे सिर्फ हम लोगों को थ्योरी था, अब आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मूला बेस्ड हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, ओके? तो पहला टॉपिक आज का रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कर देता हूं। ओके, सो दिस इज आवर ग्लास स्लैब, ठीक है? अब यहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है? अगर सपोज ये ग्लास स्लैब नहीं होता था तो ये रे ऑफ लाइट सीधा निकल जाता था, ठीक? लेकिन बीच में ग्लास आ गया तो वो बेंड होगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल निकाल लेंगे इसका। नॉर्मल, इसका नॉर्मल देखो मैंने जानबूझकर बड़ा बनाया क्योंकि काम में आएगा, है ना? तो ठीक है, चलो ये नॉर्मल बना लिया। अब इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, है ना? तो मुझे बताओ द बेंडिंग शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयरर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी नॉर्मल के तरफ, यानी इस तरीके से बेंडिंग होगा, ठीक है? अब वापस यहां पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि वापस वो ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो मैं वापस नॉर्मल बनाऊंगा, ओके? और यहां पे अब बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी ऐसा बेंडिंग होगा। लास्ट टाइम जब तुमने क्लास 10th में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो तुमने पिन से किया था और ये देखा था ये दोनों रेस पैरेलल थी, दोनों रेस पैरेलल थी, ओके? ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है क्लास 10th में, ओके? चलो यहां पे हम नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये भी एंगल आर रहेगा, है ना? कौन सा एंगल्स? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्लियर? और मैथमेटिकली ये एंगल आई आने वाला है, ओके? ये प्रूव्ड है, क्लियर विद दिस? आज का हमारा सबसे पहला कंसेप्ट जो है, जो हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज लैटरल शिफ्ट। So what do you mean by lateral shift? Lateral shift याने बाजू से कितना shift हुआ है, line कितना shift हुआ? ये line, ये ray of light ऐसा जाना चाहिए था, वो ऐसा निकला। याने इसका मतलब यहाँ से मैं अगर perpendicular डालता हूँ, ऐसा, ये perpendicular डाला, तो इतना shift हुआ, ये distance जो था ना, इतना, ये इतना shift हुआ है, okay? याने इतना shift याने अपने को निकालना है ये चीज। तो एक काम करते हैं, अगेन नेमिंग कर लेते अच्छे से इसको। तो ये था ए बी सी डी, हो गया ई, और ये हो गया एफ, ठीक है? और ये ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, लेट अस से दैट इज टी, ग्लास स्लैब का थिकनेस इज टी, क्लियर विद दिस? ओके, तो हमको लैटरल शिफ्ट निकालना है, इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, सी ई निकालना है, सी ई निकालना है। सी निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले तुम ध्यान दोगे ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल पे, ये एंगल पे ये हो गया आई माइनस आर, डेविएटेड एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर, ठीक है? अब सबसे पहले ध्यान देंगे ट्रायंगल बी सी एफ पे, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल बी सी एफ, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस आर निकालेंगे, कॉस आर क्या निकालने वाले, कॉस आर, ओके? कॉस आर इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके? कॉस आर इट इज एडजेसेंट एफ बी अपॉन हाइपोटेन्यूस सी बी, ठीक है? समझ में आया सबको? नाउ व्हाट इज एफ बी, टी, है ना? एफ बी का वैल्यू कितना है, टी अपॉन सी बी। तो देयरफॉर मुझे बताओ यहां से CB का वैल्यू कितना आया, T अपॉन cos r, या गया CB का वैल्यू, ठीक है? अब तुम ध्यान दोगे ट्रायंगल BCE पे, ओके? ट्रायंगल BCE पे ये 90 डिग्री है, तुम निकालोगे साइन, साइन i माइनस r, साइन आई माइनस आर,
साइन इज अपोजिट यानी सीई अपॉन हाइपरटेन्यूस मतलब बीसी या सीबी बोलेंगे हम क्योंकि ऊपर सीबी यूज किया है सीबी बट सीबी का वैल्यू कितना है एक काम करते सीबी को इधर लेके चल जाते देयरफॉर सीई इज इक्वल टू सीबी इनटू साइन आई माइनस आर सीबी का वैल्यू क्या है टी अपॉन कॉस आर तो देयरफॉर सीई इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर देयरफॉर सीई इज इक्वल टू टी वन बाय कॉस आर इज सेक आर इनटू साइन आई माइनस आर दिस इज योर आंसर ये एक डेरिवेशन है ये फॉर्मूला याद रखना है थिकनेस इनटू सेक ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो फॉर्मूला टी सेक आर इनटू साइन आई माइनस आर ठीक है सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल शिफ्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैटरल शिफ्ट ओके अब एक दूसरा कंसेप्ट भी हमको समझना है इसके अंदर दैट इज नॉर्मल शिफ्ट सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे ऐसा मैं समझ रहा हूं ओके नॉर्मल शिफ्ट अब नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है देखो एक अच्छा ग्लास लैब बनाएंगे हम लोग ये एक ग्लास लैब है ठीक सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ठीक है अब उससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट सपोज ये ऑब्जेक्ट है येलो कलर का वो ऐसे निकले लेकिन अगेन रेयर टू डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल और फिर ऐसे भी ठीक है और यहां जाकर वो इंसान के आंखों में जाके गिरी ठीक है क्लियर विद दिस हाँ इसका बेंडिंग ऐसे ही होगा ना ओके बट इंसान की जो आंखें है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिख सकती है तो उसको क्या लगेगा कि जो ये वाली रे ऑफ लाइट है वो यहां से आ रही है ओके इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और वो इंसान को क्या लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट इधर है क्योंकि इंसान तो स्ट्रेट ही देखता है ना तो दिस इज अपेरेंट पोजीशन जो उस ऑब्जेक्ट को लग रहा है तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट क्या कहते हैं हम लोग इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं समझ में आया सबको नॉर्मल शिफ्ट का कंसेप्ट ओके कोई डाउट है किसी को यहां तक तो नॉर्मल शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमको ये फॉर्मूला याद रखो 1 माइनस 1 बाय म्यू इनटू टी वेयर टी इज दिस थिकनेस एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब ये जो ग्लास रखा है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ठीक है जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3 है ना तो देयरफॉर नॉर्मल शिफ्ट ओके नॉर्मल शिफ्ट बाय ग्लास दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 4 इनटू टी एंड दैट इज 1 बाय 4 इनटू टी इतना शिफ्ट होता है जनरली ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 4 बाय 3 ओके ये कांसेप्ट समझ में आया सबको नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटरल शिफ्ट का ओके तो चलो नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं व्हिच इज ऑप्टिकल पाथ ओके कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ सो हाउ डू यू डिफाइन ऑप्टिकल पाथ इट इज द डिस्टेंस डेफिनेशन देखो पहले ट्रेवल्ड बाय लाइट है ना ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रेवल किया कहां पे इन वैक्यूम ओके इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ओके इन सेम टाइम
सेम टाइम उतने ही समय में, ओके जितने समय में, इन विच इट ट्रेवल्स इन मीडियम, उतने ही समय में जितने समय में वो मीडियम में ट्रैवल करेगा, उतने समय में वो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ। ओके, सपोज ये एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम जिसका थिकनेस है एक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वी, ठीक है, रे ऑफ लाइट बाहर से आ रहा, तो रे ऑफ लाइट इस मीडियम में x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके लेकिन इसकी स्पीड रहेगी सी एम, इस मीडियम में, इस मीडियम में स्पीड सी एम रहेगी, एयर में स्पीड सी ए रहेगी, तो रिलेशन क्या है इन तीनों का, म्यू इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एम, कल मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो देयरफॉर सी एम कितना हुआ, सी ए अपॉन म्यू, ठीक है, समझ में। अब इसको टाइम कितना लगा, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, ओके उसको एक मीडियम में मीडियम में, ओके मीडियम में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक्स, स्पीड क्या थी सी एम, लेकिन सी एम की वैल्यू कितनी है सी ए बाई म्यू, तो हम लोग सी एम की जगह क्या डालेंगे सी ए बाई म्यू, तो टी का वैल्यू कितना आ गया म्यू एक्स अपॉन सी ए, ठीक है। अब इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ओके तो देयरफॉर ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ फिर इसका, ऑप्टिकल पाथ यानी डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है ऑप्टिकल पाथ, स्पीड इंटू टाइम कितना है बेटा यहां पे म्यू एक्स अपॉन सी ए, सी ए सी ए कट, तो म्यू एक्स, This is the formula for optical path, ठीक है, तो इस मीडियम का ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ, इसका refractive index multiplied by इसका thickness, ठीक है, तो इसके लिए एक होमवर्क देते हैं, देखते कितने लोग सॉल्व करते हैं, एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 4 सेंटीमीटर है, ओके और इसका refractive index 4/3, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हुआ बताना है, ओके दूसरा होमवर्क है, ये एक मीडियम दूसरा होमवर्क जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा लेट अस से 5/3 और सॉरी ये 3/2 करो, इसका इसका 3/2 करो, 3/2, ठीक और इसका थिकनेस है 2 मीटर, तो इस मीडियम के लिए ऑप्टिकल पाथ बताना है, इसके लिए ऑप्टिकल पाथ, इसके लिए ऑप्टिकल पाथ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल, ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या, ओके देखो मैं तुमको समझाता हूं, तुमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, सपोज यहां पे अपन ने एक मीडियम में पानी लेकर रखा है, और यहां पे है ना एक कॉइन रखा है, कॉइन, अब ये कॉइन से जो रेज निकलेगी वो ऐसे जाएगी आंखों में, ठीक है, बहुत आंखें बना रहे सर, आंखें बनाने में एक्सपर्ट, अब लेकिन इंसान की आंखें स्ट्रेट देख सकती है, ओके तो क्या होगा कि इंसान की आंखें ऐसा देखेगी, तो इंसान को लगेगा कि ये जो कॉइन है वो यहां है, ओके क्योंकि इंसान की आंखें स्ट्रेट देख सकती है, इंसान की आंखें स्ट्रेट देख सकती है, ओके तो इंसान को लगेगा कि कॉइन यहां है, ऐसा लगेगा, लेकिन कॉइन एक्चुअली यहां है, ठीक है, तो ये यहां पे हम लोग कुछ चीजें डिफाइन किए, ये जो डिस्टेंस हुआ ना इसको हम लोगों ने बोला h, विच इज नोन एज रियल डेप्थ,
ठीक है, रियल डेप्थ, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है उस कॉइन की, लेकिन इंसान को लग रहा है वो कॉइन यहां पे है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना इसका, ये हो गया इसका अपेरेंट डेप्थ। कौन सा डेप्थ? अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ को अपन एच डैश से डिनोट करते हैं। दिस इज रियल डेप्थ, दिस इज अपेरेंट डेप्थ। डेप्थ हमेशा सरफेस से गिनी जाती है, तो ध्यान में रखना। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ओके विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर मतलब जहां पे, मतलब ये रखा है आंखें एयर में, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहां पे दूसरा कोई मीडियम है तो वो मीडियम आएगा यहां। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, एंड रियल डेप्थ इज एच एंड अपेरेंट डेप्थ इज एच डैश। रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन करके रख लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब तुमको पूछेंगे शिफ्ट, है ना, शिफ्ट पूछेंगे। शिफ्ट क्या आएगा यहां पे? शिफ्ट कितना होगा? एच माइनस एच डैश, है ना। अब मुझे बताओ एच की वैल्यू कितनी है यहां पे, सॉरी एच डैश की वैल्यू कितनी है? एच डैश की वैल्यू कितनी है? एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देयरफॉर शिफ्ट का फॉर्मूला कितना हो गया फिर? 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू एच, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट, ये शिफ्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब सपोज तुम ग्लास में देख रहे हो, ग्लास में, और आंखें एयर में है तुम एयर में हो और ग्लास में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, पानी, पानी नहीं, ग्लास है, पूरा ग्लास है यहां। तो जनरली शिफ्ट क्या रहेगा फिर उस केस में? 1 माइनस 1 बाय म्यू कितना है इसका, ग्लास का कितना आएगा? ग्लास के लिए 3 बाय 2 है, सॉरी मैंने कहीं तो शायद 4 बाय 3 लिया था, ग्लास के लिए 3 बाय 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3 बाय 2, याद रखो, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4 बाय 3, ये याद करके रख लेना, फेमस है। तो है ना, तो कितना आ गया ये इंटू, हाँ इंटू एच, इंटू एच, इंटू एच, तो कितना आ गया ये 3 माइनस 2 दैट इज 1 बाय 3 इंटू एच, या एच बाय 3। वाटर के लिए होमवर्क सॉल्व करना, वाटर के लिए शिफ्ट निकालना है, वाटर के लिए म्यू ये ले लेना, ठीक है। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट समझा, हाँ याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, क्लियर। अब सपोज अगर तीन मीडियम रहे, तीन मीडियम अलग अलग मीडियम, ये इसका मीडियम d1 डेप्थ, इसकी d1 डेप्थ है, ये d2 डेप्थ है और ये d3 डेप्थ है, ठीक है, क्लियर विद दिस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 और ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले याद रखना है? इसके लिए रियल डेप्थ कितना रहेगा फिर? रियल डेप्थ इज d1 प्लस d2 प्लस d3, ये हो गया रियल डेप्थ, ओके। अपेरेंट डेप्थ कितना रहेगा? पिछले बार अपेरेंट डेप्थ कितना आया था? अपेरेंट डेप्थ वॉज रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये फॉर्मूला था ना पिछले बार का, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका अपेरेंट डेप्थ कितना आएगा? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल अपेरेंट डेप्थ जो आ गई वो तीनों के अपेरेंट डेप्थ का एडिशन है, समझ में? ये वाला फॉर्मूला यूज किया अपन ने यहां पे। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन के लिए? रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ कितना है बेटा यहां पे? d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2 प्लस d3 बाय
mu 3, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। अब होमवर्क तुम्हारे लिए, अगर दो इमिसिबल लिक्विड दिए, टू इमिसिबल यानी जो मिक्स नहीं हो सकते, ओके, और इक्वल डेप्थ लिए उनके, डी वन इज इक्वल टू डी टू लिया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और दूसरे का म्यू टू है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो इसके कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तुमको कितना है। दिस इज योर होमवर्क, फेमस क्वेश्चन है, हर न्यूमर हर तुमको एमसीक्यू बुक में मिलेगा तुमको, ठीक है, क्लियर विद दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर सपोज इंसान है ना अंदर है मीडियम के अंदर, ओके, टेंसर मीडियम के अंदर है, ठीक है, इंसान यहां है और वो इसको देख रहा है, ऐसा चिड़िया को देख रहा है, ठीक, तो ये ऐसा आया रे ऑफ लाइट, लेकिन इंसान तो सीधा देखता है, तो उसको जो है वो जो चिड़िया है वो थोड़ा ऊपर दिखेगी, वो ऊपर दिखेगी, ये हो गई उसकी रियल डेप्थ और ये हो गई उसकी एपरेंट डेप्थ, ओके, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, क्लियर विद दिस। तो इस केस में अगर इंसान की आंख डेंसर मीडियम में है और वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कि रेयरर मीडियम में है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, refractive index of denser medium, denser medium with respect to rarer medium, denser medium with respect to rarer medium, that is h dash upon h, क्योंकि real depth हमेशा h से और apparent depth हमेशा h dash से, clear with this, same concept है, यहाँ पे तुम shift कैसे निकालोगे फिर, अब shift क्या रहेगा, that would be h dash minus h, लेकिन h dash की value कितनी आई बेटा यहाँ से, h into refractive index of denser medium with respect to rarer medium minus h, h common nikla, refractive index of denser medium with respect to rarer medium minus 1, ye ho gaya shift। ab agar suppose ye rarer medium jo hai wo air diya hua hai to yahan pe a aa jayega, air ka to bada simple ho gaya ye cheez, hai na, samajh mein aaya, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो तुमको ध्यान में आ जाएगा, सिर्फ तुम फॉर्मूलेस नोट डाउन कर लो, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर्मूलेस, हाँ समझ लो, समझ, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, वो ऊपर क्यों दिख रहा है तुमको समझ में आया, क्योंकि इंसान की आंखें स्ट्रेट दिखती है, ओके, क्लियर विद दिस। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ओके, बाय बाय।